नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 20 को। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से। गौशाला में पशुओं के रख रखाव पर उठा सवाल। सत्यता जानने पहुंचे प्राइम न्यूज 24 की टीम। चौकीदार द्वारा सभी आरोपों को बताया गया गलत। आइए आपको दिखाते हैं आगे की रिपोर्ट। और आज हम मिल्कीपुर तहसील अंतर्गत ग्राम सभा कुंभी के इस जो है उसमें गौशाला में आए हुए हैं, और यहाँ पे इन पे आरोप लगा है कि दो तीन गाय के जो है 100 खुले में छोड़ दिए गए थे गड्ढे में। और हम इसकी सत्यता जानने के लिए आज यहाँ पे मौजूद हैं, और ये हमारे साथ हैं। आइए देखते हैं इनका नाम क्या है। क्या नाम है आपका? हीरालाल। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करते हो? चौकीदारी। चौकीदारी करते हो। ये बताइए, आप जो है यहाँ पे अभी दो दिन पहले ये खबर मिली थी कि गाय के जो है 100 बाहर गड्ढे में खुले छोड़ दिए गए हैं। नहीं सर, वो हमारे अंदर की गाय नहीं है। अच्छा, यहाँ की गाय नहीं थी? नहीं सर। अच्छा, यहाँ पे कितने लगभग कितने जो है बछड़े और गाय गोवंश कितने होंगे? 125 करीब हैं सर। 125 हैं। मतलब यहाँ के नहीं थे, झूठे आरोप? नहीं, झूठा है सर। आपके यहाँ अंदर में जो है मतलब उसमें भंडार गृह में भूसा वगैरह सारा कुछ है? हाँ जी, सब है हमारे पास। लगभग कितना होगा? हाँ, इस टाइम 25 क्विंटल है। अच्छा, और चूनी चोकर भी है जी। कितना होगा लगभग? वो लगभग 20 क्विंटल भूसा है। हाँ, और 25-30 बोरी चूनी चोकर है जी। हाँ जी। और जो है मतलब हरे चारे के लिए क्या करते हो? हरा चारा के लिए जो है खेत बुआई हो गई है। बुआई हो गई है। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हो, इनका जो है कहना है कि ये जो आरोप लगे हैं इन पे ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बाहर के जो है जानवर थे, बाहर कहाँ के थे ये इनको नहीं पता है। क्या नाम है? हीरालाल। क्या करते हो? चौकीदारी। कितने कुंटल भूसा होगा लमसम? 25 कुंटल भूसा है, और चूनी चोकर है। कहाँ है चूनी चोकर? 20 बोर सामने ये है। हाँ जी। दाना पानी, पशु आहार भी जो है बोया गया है। ओके।